भिलाई तीन सत्य दर्शन संस्था सतनामी समाज एवं अगरदास सतनामी कल्याण के नेतृत्व में सतनामी समाज की प्रथम महिला सांसद गुरु माता ममता माई मिनी माता जी एवं लोकसभा के प्रथम संस्थापक सांसद स्वर्गीय रेशम लाल जांगड़े की स्मृति में सर्व सामाजिक सम्मेलन के साथ भंडारी साटीदार जनप्रतिनिधि पत्रकार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भिलाई तीन के बाजार चौक में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रेशम लाल जांगड़े के सुपुत्र हेमचंद जांगड़े शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर भूषण लाल जांगड़ा ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रेशम लाल जांगड़े के सुपुत्र हेमचंद जांगड़े शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर भूषण लाल जांगड़ा ने की। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में भाजपा जिला भिलाई के सभी प्रभारी एवं सभी पदाधिकारी शामिल रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय मिनी माता जी एवं स्वर्गीय रेशम लाल जांगड़े जी के तैलचित्र पर शामिल सभी अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना करके तत्पश्चात शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान मंच के माध्यम से किया गया। उसके बाद सभी प्रतिभावानों का सम्मान शामिल अतिथियों ने किया। वहीं अध्यक्षता कर रहे पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर रोजन लाल जागड़े ने कहा कि प्रथम महिला सांसद गुरु माता ममतामयी मिनी माता जी एवं लोकसभा के प्रथम संस्थापक सांसद स्वर्गीय रेशम लाल जागड़े जी ने अपना जीवन समाज सेवा एवं क्षेत्र के विकास में प्रदान किया। उनके किए गए कार्य आज भी अविस्मरणीय है। रेशम लाल जी 49 में अंतरिम सांसद रहे, अंतरिम सरकार की, और 52 में प्रथम वो सांसद बने। मिनी माता जी अगमदास जी उनके पति के देहावसान के बाद में 53 में वो सांसद बनी और दोनों कम से कम 10 साल तक एक साथ सांसद रहे, एक दूसरे के सहयोग करते रहे। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दोनों ने बहुत काम किया। जब भी मिनी माता आती थी, चाहे बिलासपुर में आती थी, तो भैया जी से मिलने अवश्य आया करते थे रेशम लाल जी से, और रेशम लाल जी जब भी दिल्ली जाते थे हाँ तो मिनी माता से बिल्कुल मुलाकात करके ही वो आते रहे। इस तरह से दोनों का पटरी बिल्कुल चलते रहा छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि मिनी माता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, रेशम लाल जी LLB थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और उनका जो एक तरह से अंग्रेजी में काफ़ी विद्वान थे वो, तो जितना जो भी मिनी माता का काम था, अधूरा काम, वो सब हमारे रेशम लाल जांगड़े ही किया करते थे। इस तरह से दोनों का मिलना, दोनों का सहयोग करना, दोनों को संसद के लिए प्रश्न का उत्तर देना और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्होंने जो काम किया वो एक सराहनीय है। मिनी माता के नाम से जैसे बांगो बांध बना, बहुत सारे संस्थाएँ खुली उनके नाम से, स्व सहायता समूह के एक तरह से उनके इनाम दिया जाता है मिनी माता के नाम से, एक तरह से मिनी माता काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और एक दुर्घटनावश उनका जो देहावसान हुआ वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत हानिकारक रहा है। एक तरह से इंदिरा गांधी के साथ में उनका अच्छा संबंध रहा है और इंदिरा गांधी से मिल के बहुत सारे काम किया करते थे, और इसीलिए रेशम लाल जांगड़े और मिनी माता, पता नहीं ईश्वर की ऐसी क्या है कृपा है कि दोनों के पुण्यतिथि 11 अगस्त है, और इनका जन्म तिथि भी रेशम लाल जांगड़े का 25 फरवरी और 25 मार्च मिनी माता का बर्थडे है, ऐसा वो दोनों का संयोग है। वो दोनों को मैं स्मरण करते हुए बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि देकर सबको धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में सत्य दर्शन संस्थान के लोग एवं सतनामी समाज के धार्मिक एवं सामाजिक संस्था के लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।